जी, मैं मैनेजर हूँ इस एग्जीबिशन में आया है। काफ़ी सारे यहाँ पे हैंडलूम स्टाफ हैं, क्या कहना चाहेंगे और सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनका ये इनिशिएटिव है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे इतना ऑनर दिया गया यहाँ बुला के, एंड इट्स रियली अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी कि मैं इसका एक पार्ट हूँ। और सर ये इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यहाँ पे हर प्रदेश से एक स्टॉल लगी हुई है, वहाँ का जो हैंडलूम आइटम्स हैं जो लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं वो कारीगरी यहाँ पे सबको देखने मिलेगी, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से और कर्नाटका एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब ईच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप हर स्टेट की कारीगरी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ से आज से ये स्टार्ट हो रहा है, 3rd to 8th of August ये चलने वाला है। तो आप लोग आएँ, विज़िट करें और देखें यहाँ की कारीगरी कितनी अच्छी है। यहाँ पे आपको पेंटिंग्स भी मिलेंगी, हैंडलूम्स मटेरियल, साड़ीज़, कुर्तीज़ एंड लहंगा, ब्लाउज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और इनका जो मोटिव है ये बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपका ये सफल रहे, ऐसे ही आप ऐसे इनिशिएटिव लेते रहिए और हमारे जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाते रहिए आर्ट एंड क्राफ्ट। सो योर इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज द रीज़न फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव एंड ऑल कुछ चीज़ उसका, मैं सेलिब्रिटी गेस्ट है। सो मेरा नाम शोभन रेड्डी है, प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ। एक्चुअली आप सभी जानते हैं आजकल ये व्यूवर्स का क्या स्थिति है, जब से ये कोरोना आया था तब से ये लोग और पीछे चला गया था। वो लोग को थोड़ा ऊपर लेके आएंगे बोल के हमारा सिस्टर ने श्रीलाता बोल के है, वो थोड़ा सोशल का वो देखता रहता है, वो सोशलिस्ट है, उनका सोच था ऐसा करना है एग्जीबिशन को थोड़ा आगे, ये लोग को थोड़ा आगे बढ़ाना है बोल के, वो उद्देश्य हम लोग एग्जीबिशन हम लोग चालू किया ये साल से। ये 5th एग्जीबिशन है हमारा पूरा, ये बॉम्बे में पहली बार आया है। सो वो लोग को कुछ ना कुछ छोटा सा प्लेटफॉर्म दे देंगे, ये सबको हम लोग ढूंढ के लेके आए हैं, किधर किधर थोड़ा दिक्कत में है ये लोग, वीवर्स मेनली, वीवर्स एंड क्राफ्ट वाला जो 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 है इधर, वो लोग को हम लोग थोड़ा बहुत मदद करेंगे बोल के हम लोग इधर से लेके आए हैं उन लोग को। सो लेके आके हम लोग इधर डिस्प्ले करके उनको थोड़ा मदद कर रहे हैं आजकल, चल रहा है फिलहाल। वो बहुत बहुत अच्छा है मैडम, बुलाने से तो मना नहीं किया है, आराम आ गया। वेरी वेरी थैंक यू मैम फॉर कमिंग हियर। सो आज हमारा एग्जीबिशन के अंदर पूरा 60 स्टॉल है सर, पूरा मिला के 15 स्टेट से है, लाइक आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वैसा बहुत सारा स्टेट्स का, पूरा 16 स्टेट का वैराइटीज हम लोग इधर डिस्प्ले के अंदर रख चुका है। मेरा निवेदन है कि सभी मुंबई वासियों से प्लीज़ कम एंड एंजॉय द शॉपिंग एंड थोड़ा सा सपोर्ट उनको दे दीजिए। आगे कुछ वेब सीरीज और मूवीज है, अभी तो फिलहाल मैं अनाउंसमेंट नहीं करूँगी। रिसेंटली एक हॉरर मूवी मैंने शूट किया है जिसका नाम है शापित सिंदूर, तो देखते हैं कब तक रिलीज़ होगी, जल्द ही नए प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट भी करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरी मूवी को, आगे भी यही सपोर्ट की आशा रखती हूँ, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी निवेदन है, हमारा एग्जीबिशन 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमारा WTC वोल्टेज सेंटर के अंदर है, सुबह 10:30 बजे से लेकर रात में 8:30 तक। धन्यवाद भाई। पूरे 60 स्टेट से लेके आए हूँ सारे आर्टिजन, इधर अपने अपने प्रोडक्ट खुद बना के लाते हैं। ये जो भी आर्ट मटेरियल है तो आपको शॉप पे नहीं देखने को मिलेगा, आपको मार्केट में कुछ भी आइटम नहीं मिलेगा, ये खुद अपना प्रोडक्ट बना के 3-6 मंथ 1 ईयर में तैयार करके इधर लाइव हुए, साल में एक बार ही आते हैं। तो आप सिर्फ का स्टेज थोड़ा आके देखिए। या बेसिकली दे आर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर एंड इट्स अ वेरी नाइस, दिस देयर फर्स्ट एग्जीबिशन और बहुत अच्छा इवेंट इन्होंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये इवेंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है और इंडियन कल्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे वर्ल्ड से और पूरे इंडिया से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ने इस शो में पार्टिसिपेट किया एंड बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन है। रुचि जी का थैंक यू कहना चाहूँगा, इस इवेंट में ये यहाँ पे आए और इनका प्रेजेंस दिया है, सेलिब्रिटी गेस्ट इनके हाथ से आज यहाँ पे ओपनिंग हुआ, इंडियन कल्चर स्पेशली आज वो इंडियन कल्चर भी डिज़ाइन करके आए हुए एंड काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड थैंक यू ऑल ऑफ द मीडिया फॉर कमिंग एंड कवरिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड Lack of I have not known about the event before. It's promoting handicrafts, handlooms, weavers, art, fashion, and those from very poor background they need this kind of things and they do. Okay. So supporting the people who have nothing, you know,
it feels really good, and you know, taking that privilege and helping them out for everything. So you know, just the small help would make their lives better, maybe. Talking about your professional front, you have worked in some projects. Mm-hmm. The projects, you want to tell something about that? The projects you are going to work on. Yes. So I have done 3 album songs and a Dere Malkiyar as well. So you guys would see, be seeing me in soon in some music video.